ओके, okay. okay. <coughs> तो जय श्री राम हर हर महादेव मैं राग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज अपना मॉक टेस्... टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर उन्तीस है ट्वेंटी ठीक है तो इस मॉक टेस्ट की शुरुआत कर लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं ठीक <laughs> है थैंक यू सूरज इस मॉक टेस्ट की जो टाइमिंग है बच्चा वो डेली आपको तीन बजे से ये क्लास आपको मिलती है बाकी जो एक सुबह की क्लास होती है दस बजे की उस दस बजे की सुबह वाली क्लास में बच्चे आपको मैथ को बेसिक्स चैप्टर वाइज सीखने को मिलता है और एक शाम को पांच बजे वाली क्लास होती है तो शाम को जो पाँच बजे से क्लास होती है बच्चों वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की होती है ठीक तीन क्लासेस होती हैं सुबह दस बजे आपको बेसिक सिखाता हूँ फिर आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सल्यूशन देता हूँ ठीक है तो फिलहाल अभी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने सेशन की और सेशन का जो अपना पहला क्वेश्चन है आज का वो आपके स्क्रीन पर लगने जा रहा है तो चलिए भाई आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे <laughs> किस बच्चे का आ रहा था क्या कह रहा था कितना कर दिया करो यार इसके लिए पूछना थोड़ी जाता है कर दो कर दो हाँ बढ़ा दो डिस्काउंट कर दो ठीक है चलो देखो चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस गोले को पिघलाकर तीन सौ तैतालीस बराबर छोटे गोलों में बांटा गया है छोटे गोले तथा बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है ठीक है मुकेश भाई ये जो ऊपर नंबर लिखा है इस कॉल करके आप बात कर सकते हैं ठीक है थीके? चलो देखो बच्चे जिस गोले का व्यास चौदह सेंटीमीटर है उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी सात सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी अच्छा इसको इतने छोटे गोलों में बांटा गया देखिए सबसे पहले अपने पास जो गोला है तो गोले का आयतन क्या होगा बच्चों चार बटे तीन पाई आर क्यूब और जिस गोले का व्यास चौदह था उसकी त्रिज्या होगी सात तो सात का क्यूब अच्छा इस गोले के आयतन को तीन सौ तैतालीस छोटे छोटे गोलों में बांटा गया है तो हमारे पास तीन सौ तैतालीस गोले होंगे लेकिन उनकी त्रिज्या थोड़ी सी कम होगी तो बच्चे उनका आयतन क्या हो जाएगा फोर बटे चार बटे तीन पाई आर क्यूब से ये हो जाएगा आयतन आप बोलोगे हाँ सर हो तो जाएगा और जब ये आयतन हो जाएगा तो सवाल सरल हो जाएगा बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक आकृति के आयतन को उसी आकृति में ढाला जाता है छोटा या बड़ा करके तो हमेशा उसके कॉन्स्टेंट वाले पार्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं सात का क्यूब तीन सौ तैंतालीस ही होता है तो आप बोलोगे हाँ सर सात का क्यूब तो तीन सौ तैंतालीस ही होता है सिंपल सी बात है कोई दिक्कत तो नहीं है तो आप बोलोगे नहीं सर तीन सौ तैंतालीस होता है इसमें क्या ही दिक्कत होगी तो बच्चे ये इससे कैंसिल हो गया ठीक है अब जो छोटा वाला गोला है उसकी त्रिज्या आपके पास एक हो जाएगी क्योंकि इधर तो तो बचा है तो एक का क्यूब रूट एक ही होगा यानी छोटे गोलों की त्रिज्या हो गई बड़े गोले की त्रिज्या पता थी अब इनके छोटे गोले और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो गोलों के लिए अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना गोले के लिए अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो फोर पाई आर स्क्वायर होता है तो फोर पाई से फोर पाई कट गया छोटे गोले की त्रिज्या के लिए आप लिखोगे आर स्क्वायर और बड़े, बड़े बड़े क्षेत्रफल के लिए कैपिटल इसकी त्रिज्या वन है, वन है। यानी दोनों के पृष्ठी क्षेत्रफलों का रेशियो कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों एक रेशियो उनचास बनेगा बोलो सभी का आ गया अरे वाह सबका आ गया ठीक है सर इंग्लिश में दो लिखा है कहा लिखा है इक्वल टू इतने स्मॉल प्लेसेस कोई बात नहीं अगर दो हजार सात सौ तो ये तो अच्छी बात हो गई एक ही तीर एक ही उससे एक तीर से दो काज कर सकते हो एक आप सवाल करना तीन सौ तैंतालीस और एक कर लेना आप दो हजार सात सौ चवालीस से कोई दिक्कत थोड़ी है तो आप इससे भी तो कर सकते हो सवाल का कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना मेरे प्यारे भाई है ना तो वैसे आप इसको तीन सौ तैंतालीस कर लीजिए लेकिन आप एक ही सवाल में दो सवाल कर लेंगे फिर ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं होगी चलो नेक्स्ट बताइए बहुत बढ़िया दो बर्तन में दूध और पानी के अनुपात तीन अनुपात एक और चौदह अनुपात, अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात चार और एक हो जाए मैंने आपको एक बार नहीं कम से कम पचास बार ये बात बताई होगी कि ऐसे प्रश्नों में पहले दोनों बर्तनों की मात्रा को बराबर करते हैं जैसे पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात था बच्चों वो कितना था तीन और एक का और दूसरे बर्तन में ये दूध और पानी का अनुपात कितना था बच्चों ये था चौदह और तीन का तो सबसे पहले इन दोनों की मात्राओं को बराबर करेंगे देखिए जरा ध्यान से दूसरे बर्तन में टोटल मात्रा सत्रह है पहले बर्तन में टोटल मात्रा चार है तो बराबर करने के लिए बच्चों इसमें हमने सत्रह का गुणा कर दिया और इसको इसी के बराबर लाने के लिए इसमें हमने चार का गुणा कर दिया बोलो ठीक है आप बोलोगे हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब जब ये बराबर हो गए तो अब इनका अनुपात अगर चार और एक प्राप्त करना है तो बच्चे इसमें चार का गुणा कर दो आप और इसमें एक का गुणा कर दो लीजिए आपका सवाल एक लाइन में खत्म हो जाएगा एक लाइन में इससे ज्यादा की लाइन की आवश्यकता नहीं है है कोई आवश्यकता देखना जरा इसमें टोटल क्या होगा सत्रह चौको अड़सठ अड़सठ गुणे होगा अड़सठ गुणे अनुपात क्या बनेगा सत्रह चौको अड़सठ ठीक है अब बोलोगे हाँ इसमें क्या बनेगा चार एकम चार तो चौदह चौको छप्पन हो जाएगा और चार तीन बारह होगा यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो तीन अट्ठे चौबीस के चार हासिल दो तीन चंद अठारह और दो बीस दो सौ चार और छप्पन जोड़ दिया जाएगा भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो दूध दूध के साथ मिल जाएगा और ये दोनों जोड़कर हमारे पास दो सौ साठ बन जाएंगे कितना बनेगा दो सौ साठ बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे तो पानी बन जाएगा अड़सठ और बारह कितना होता है अस्सी हो जाता है तो ये अस्सी हो जाएगा जीरो से जीरो को खत्म कर लीजिए दो से काट दीजिए तेरह बार कट जाएगा दो से काट दीजिए चार बार कट जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा तेरह अनुपात चार यहां पर चार होना चाहिए इसको चार कर लो क्या रेशियो बन जाएगा भाई तेरह और चार का रेशियो बन जाएगा सवाल आपका समाप्त हो जाएगा कुछ बच्चे आंसर यहाँ आठ और सत्रह दे रहे हैं कुछ बच्चों का आंसर क्या आ रहा है क्या सर आठ और सत्रह सभी का आठ और सत्रह आ रहा है सभी का आठ और सत्रह आ रहा है किस तरीके से तुमने किया भाई कि तुम्हारा आठ और सत्रह आ रहा है इसका अनुपात अच्छा 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 एक मिनट चार और तीन किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में दूध और पानी ओह दूध और पानी का अनुपात तो दिया ही है सॉरी 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 दूध और पानी का अनुपात दिया है बच्चों देखो इसकी टोटल मात्रा हो गई तीन बटे चार ठीक है तीन बटे चार और इसकी अगर टोटल मात्रा ले लेते हैं तो चौदह बटे सत्रह हो जाएगी करेक्ट है आप बोलोगे हाँ जो हमें मिल रहा था दूध और पानी का अनुपात उसमें टोटल मात्रा थी पाँच और दूध था चार का एलिगेशन लगा सकते हो आप एलिगेशन एलिगेशन लगा लीजिए इन दोनों में बड़ा कौन है तो चौदह पंचे सत्तर सत्रह चौको अड़सठ सत्र ये वाला भिन्न बड़ा है तो घटाएंगे हमारे पास क्या आएगा सत्रह पंजे पचासी आ जाएगा नीचे कितना आ जाएगा पचासी फिर जब पचासी आ जाएगा तो सत्रह पंजे पचासी 70 हो जाएगा और इससे जब काटोगे तो भाई ये कितनी बार कटेगा सत्रह सत्रह चौको अड़सठ सत्र हो जाएगा यानी कि ये हो गया बच्चे दो बटे पचासी इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर इन दोनों में चार बटे पांच बड़ा होगा कौन बड़ा होगा चार बटे पांच चार बटे पांच से तीन बटे चार को घटाएंगे तो पांच तई पंद्रह और पांच तय पंद्रह और चार चौको सोलह होगा तो 16 माइनस पंद्रह नहीं एक बटे बीस आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों एक बटे बीस आएगा एक बटे बीस। आप बोलोगे आ जाएगा सर पांच से काटेंगे तो सत्रह बार ये हो जाएगा पांच से काटिएगा चार बार ये हो जाएगा चार का गुणा इधर तो चार दो नहीं आठ सत्रह का गुणा इधर तो सत्रह यहां पर हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा बच्चे आठ अनुपात सत्रह बनेगा ठीक है बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है आठ और सत्रह ही होगा बिल्कुल सही है सत्येंद्र भाई हमसे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस वो हो गया था चलिए सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करिए भाई जिन बच्चों ने अभी तक ऐसा नहीं किया जल्दी से सब सेशन को दबा के लाइक और शेयर करिए कॉस फाइव का मान बच्चों हमारे पास दिया है एक बटे दो पी प्लस वन अपॉन पी तो कह रहा है कॉस टू फाइव का मान क्या होगा क्या बात है भाई बहुत ध्यान से सुनना बच्चे अगर हम ये देख पा रहे हैं कि कॉस फाइव का मान पी पर निर्भर है तो कॉस फाइव की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूं मैं अपना बोले हाँ सर तो बच्चों अगर मैं कॉस यानी फाइव की वैल्यू अगर नब्बे डिग्री डाल देता हूँ क्या डाल देता हूँ नब्बे डिग्री तो आप मुझे खुद से बताओ या अगर मैं फाइव की वैल्यू को अगर मान लो जीरो डिग्री डाल देता हूं जैसे मैंने फाइव की वैल्यू को जीरो डिग्री डाल दिया तो कॉस जीरो बन जाएगा और कॉस जीरो बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यहां से हमारे पास पी प्लस वन अपॉन पी आएगा देखना जरा ध्यान से बच्चे कॉस जीरो का मान वन होता है इसकी जगह हम वन लिख लेंगे वन में दो का गुणा करेंगे दो हो जाएगा और अगर बच्चों का मान हमारे पास दो आता है यह बात आपने हमेशा याद रखी होगी कि अगर पी प्लस वन बाई टू हमारे पास दो होता है तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या होती है वन होती है नहीं होती है ये बात आपने एक बार पढ़ी है दो बार पढ़ी है कि कितनी बार पढ़ी है आपने बोलोगे सर हमने तो बहुत बार पढ़ी है कि नहीं बोलोगे पी का मान यहाँ से वन आ गया बच्चों अगर आपने फाइव का मान जीरो तो हिस्सा है ढूंढना देगा। देगा है, है जिसमें अगर आप पी का मान वन रखें तो आपको वन मिल जाए ये तो ऑलरेडी टू है तो काम बनेगा नहीं पी का मान वन रखोगे तो इसका आंसर दो हो जाएगा दो हमें नहीं आंसर चाहिए हमें एक चाहिए था यह भी खत्म पी का मान एक रखेंगे तो बच्चों ये भी दो हो जाएगा तो ये भी खत्म चार में से तीन ऑप्शन खत्म हो गए तो ये तो सही होगा हो ही होगा क्यों होगा सर जी पी का मान वन रखेंगे तो ये तो दो होगा और इस दो से पहले एक बटे दो और था तो ये जब कट जाएगा तो इसका मान तो वन ही आ जाएगा ना तो बच्चा अपना आंसर क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बताओ ये कितने लोगों का आंसर आया था बोलो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो प्रदीप कुमार दास और कितने दिन से तुम यहाँ पढ़ रहे हो जरा मुझे बात बताओ स्पष्ट रूप से कुछ बातें हो जाए तुमसे भी क्योंकि तुम्हारे जैसे कई सारे बच्चे आएंगे पहले हम करेक्शन कर लें उसके बाद अपलोड करें ज्ञान देने के लिए तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे आते हैं भाई ठीक है मुझे पता था कुछ ऐसा हो जाएगा एक या दो क्वेश्चन में अगर कभी ये हो जाता है तो तुम्हारे जैसे तमाम सारे बच्चे आते हैं जो इन बातों को कहते हैं केवल मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम लाइव क्लास तीन बजे वाली कितने दिन से ले रहे हो ये बता दो तुम तीन बजे वाली लाइव क्लास को कितने दिन से ले रहा हो और तुम्हें कितनी बार ऐसा मिला है जरा बताइए ठीक है अगला सवाल बताओ ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो और जिसको जल्दी हुआ करे वो आए ही मत करो सिंपल सी बात है भाई ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बंदर पहले घंटे में एक पोल के साढ़े बासठ परसेंट की ऊंचाई को तय करता है और अगले घंटे में शेष ऊंचाई का साढ़े बारह परसेंट चढ़ जाता है यदि पोल की ऊंचाई एक सौ बानवे मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई क्या होगी देखे जरा कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर दे पाते हो पहले खुद से कोशिश करो जरा मैं देखना चाहता हूँ कितने होशियार बच्चे हो जो अभी ज्ञान पार रहे थे और बताइए कितने लोगों इसका आंसर दे पाओगे जरा जल्दी से बताओ बताइए भाई फटाक से जरा देखे कितने बच्चे आंसर दे पाते हो दो दो कोशिश तो करो देखिए जरा कितने बच्चे आंसर देते हो बताओ चलो मुझे पता था सुनो देखो बच्चा एक बंदर पहले घंटे में पोल के साढ़े बासठ परसेंट ऊंचाई को चढ़ता है तो ये जो साढ़े बासठ परसेंट लिखा है ना इसका मतलब होता है भिन्न में पांच बटे आठ क्या होता है पांच बटे आठ यानी अगर खंबे की कुल ऊंचाई आठ है तो उसमें से वो पांच चढ़ गया बात को समझना अगर बच्चे खंबे की कुल ऊंचाई आठ है तो उसमें से वो पांच चढ़ गया है पांच जब चढ़ गया होगा तो शेष कितना बचा होगा आप बोलोगे सर शेष बचा होगा तीन बटे आठ कितना बचा होगा शेष तीन बटे आठ बोलो ठीक है बोलोगे हाँ फिर कहता है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का इतने परसेंट चढ़ जाता है यदि पोल की कुल ऊंचाई इतनी है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई क्या होगी सिंपल क्वेश्चन है एक लाइन का ध्यान से बच्चे पोल की कुल है एक मीटर की एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ एक लाइन का पोल की कुल ऊंचाई एक मीटर है मीटर पहले घंटे में बंदर ने क्या किया इस पोल की ऊंचाई का पांच बटे आठ हिस्सा चढ़ गया कितना चढ़ गया पांच बटे आठ हिस्सा यानी साढ़े बारह परसेंट अब पांच बटे आठ जब चढ़ गया तो उसके पास शेष कितना बचा तीन बटे आठ यानी कि इस ऊंचाई का तीन बटे आठ उसके पास शेष बच रहा है अब वो इस ऊंचाई का साढ़े बारह परसेंट बच्चों बताओ जरा साढ़े बारह परसेंट का भिन्न में मान क्या होता है कितने बच्चे बता पाओगे तो बोलोगे सर साढ़े बारह परसेंट का भिन्न में मान एक बटे आठ ही होता है होता है कि नहीं होता है बोलो भाई साढ़े बारह परसेंट का भिन्न में मान एक बटे आठ होता है भाई बारह दूनी चौबीस और एक पच्चीस बटे दो लिखा है परसेंट को हटाओगे तो नीचे सौ हो जाएगा पच्चीस चौको सौ एक बटे आठ ये बात आप समझ पाए कि ये कैसे आता है बोलोगे हाँ सर तो इसका मतलब कि शेष ऊंचाई का एक बटे आठवा हिस्सा वो दूसरे घंटे में चढ़ता है तो यही तो पूछ रहा था कि दूसरे घंटे में चढ़ी गई उसकी कुल ऊंचाई कितनी है भैया आठ अट्ठे चौसठ चौसठ से ये तीन बार कट जाएगा और तीन तरीका क्या हो जाएगा नौ यानी बच्चे दूसरे घंटे में उसके द्वारा चढ़ी गई जो ऊंचाई है वो नौ मीटर की है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है ये एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन था सिंगल लाइन का सिर्फ सिंगल लाइन का इसमें कुछ था ही नहीं इस सवाल में तो तीन कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे कुछ बच्चों ने कुछ और आंसर दिया कुछ बच्चों ने कुछ और आंसर दिया भाई साहब आपसे फिर से देखो वो कह रहा है दूसरे घंटे में उसके द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई तो दूसरे घंटे में जो ऊंचाई चढ़ता है वो शेष ऊंचाई का साढ़े बारह परसेंट चढ़ता है शेष ऊंचाई कितनी बची थी तीन बटे आठ इस तीन बटे आठ का एक बटे आठ यानी कि नौ मीटर जो है वो दूसरे घंटे में चढ़ पाया होगा बात समझे अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर बताइए ठीक है चलिए चलो बच्चों एक बार सेशन को दबा के सभी लोग लाइक और शेयर कर दो अगला सवाल देखिए 250 लीटर एल्कोहल व पानी के मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात तीन अनुपात सात है ठीक है यदि कुछ अल्कोहल और मिलाया जाए तो अनुपात चार अनुपात सात होता है तो मिलाए गए अल्कोहल की मात्रा कितनी है ध्यान से सुनना बच्चा 250 लीटर अल्कोहल है टोटल इस 250 लीटर के अल्कोहल में अल्कोहल और पानी का अल्कोहल और पानी का जो रेशियो है बच्चों वो है तीन अनुपात सात इसमें क्या किया गया कुछ अल्कोहल मिलाया गया हमें नहीं पता कितना मिलाया गया लेकिन इसके बाद ये अनुपात बच्चों हो गया है चार और सात का तो देखो अल्कोहल मिलाया गया नहीं पानी की जो मात्रा है वो तो सेम रहनी चाहिए रहनी चाहिए नहीं तो आप बोलोगे हाँ और हमें पानी की मात्रा यहाँ सेम दिखाई भी दे रही है तो हम ये बात समझ पाए कि जितना भी अल्कोहल मिलाया गया होगा सर वो एक यूनिट मिलाया गया होगा क्योंकि ये तीन से चार हो रहा है और एक यूनिट का अगर मान निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों एक यूनिट का मान कितना आएगा शुरुआत में जो टोटल मिश्रण था वो दस यूनिट का था और इसी 10 यूनिट का मान हमारे पास 250 था तो बच्चों एक यूनिट का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 25 तो कितना अल्कोहल मिलाया गया होगा तो आप बोलोगे सर 25 लीटर अल्कोहल मिलाया गया होगा सिंपल क्वेश्चन सरल सा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर यह आ गया बताइए बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। 25 पच्चीस चार रुपए के सात सेब की दर से सेब खरीदे गए और 40 परसेंट का लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े उन्हें कितने रुपए में बेचना होगा सुनना बच्चे चार रुपए खर्च करके आप सात सेब खरीदते हैं तो जब कोई चीज खरीदी गई है तो वो हंड्रेड परसेंट की खरीदी गई होगी क्योंकि उसका क्रय मूल्य हंड्रेड परसेंट रहा होगा सिंपल बात है अब कह रहा है चालीस परसेंट का लाभ कमाना है यानी सौ की चीज को एक सौ चालीस परसेंट पर बेचना है सौ की चीज को एक सौ चालीस परसेंट की बेचना है तो प्रति सैकड़ा उन्हें किस रुपए पर बेचा जाएगा कह रहा है कि अब उन्हें कितने रुपए ले ताकि वो सौ सेब बेचे और सौ सेब पर उसे चालीस परसेंट का फायदा हो सिंपल क्वेश्चन तो इसका गुणा इसके साथ बच्चों इसका गुणा इसके साथ क्या बन जाएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ चार सौ बन जाएगा इसका गुणा यहाँ करके लिखेंगे तो हमारे पास सात बन जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे पास दस बटे बन जाएगा एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो सात दूनी चौदह हो जाएगा दो से काट दीजिएगा का पांच बार और पांच से इसको काट लेंगे तो अस्सी आ जाएगा यानी उन्हें अस्सी रुपए प्रति सैकड़े की दर से सेब बेचना होगा तो उसे चालीस परसेंट का लाभ होगा यानी अस्सी रुपए प्रति सैकड़े की दर से सेब बेचा गया है सत्येंद्र उमंग बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो हम आपको कई बार टोक चुके हैं आज फिर एक बार टोके दे रहे हैं सत्येंद्र और उमंग एक बार आंसर कमेंट किया करो ठीक है जैकी जितने भी बच्चे कई बार करते हो वो एक या दो बार किया करो ज्यादा नहीं किया करो ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए बताइए चलिए थोड़ी होशियारी दिखाइए और आंसर बताइए फटाक से बताइए और सेशन को बच्चों एक बार लाइक और शेयर कर दो यदि एक त्रिभुज के कोण चार अनुपात एक अनुपात एक के अनुपात में है तो सबसे बड़ी भुजा का त्रिभुज के परिमाप के साथ क्या रेशियो है सुना बच्चे अगर ये चार एक और एक के अनुपात में किसी त्रिभुज के कोण है तो बच्चों ध्यान से सुनो इसका मतलब दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी होंगे अच्छा अलग होगा मान लो ये हमारा चार के रेशियो वाला कोण है ये हमारा एक के रेशियो वाला कोण है और ये भी हमारा एक के रेशियो वाला ही कोण है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है बात समझ पा रहे हो बोलो हाँ ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है आप बोलोगे हाँ सर अब मेरी बात को बहुत ध्यान से बड़े कायदे के साथ सुनना बच्चों तो चार और दो बच्चों कितने डिग्री है 180 डिग्री है कितने डिग्री 180 डिग्री तो एक का मान कितना होगा एक का मान 30 डिग्री होगा मतलब ये वाला कोण 30 डिग्री है ये वाला कोण भी 30 डिग्री है और ये वाला जो कोण है बच्चों वो 120 डिग्री है लेकिन सर इससे तो हमारे पास कोण आएंगे हम परिमाप और लंबी भुजा कैसे निकालेंगे भाई जो कोण जितना बड़ा है उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होगी कि नहीं होगी आपने ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बोलो और इसके बाद एक रूल होता है साइन रूल वो भी आपने पढ़ा होगा बताइए साइन रूल कितने बच्चों को पता है बोलो जरा साइन रूल कितने बच्चों को पता है ईमानदारी से जरा बताइए साइन रूल का अंदाजा कितने लोगों को है गेम ऑफ एंगल कितने लोग समझते हो थोड़ा थोड़ा बताओ कितने लोग समझते हो और कितने लोगों को साइन रूल पता है कुछ अब बच्चे आंसर दे रहे हैं कह रहे हैं दो और तीन है सत्येंद्र तो तुमको अभी मना किया था बिना जो है डांट खाए समझ नहीं पाओगे क्या साइन रूल बताओ कितने लोग जानते हो साइन रूल क्या होता है ए अपॉन साइन ए होता है बी अपॉन साइन बी होता है और सी अपॉन साइन सी होता है होता है कि नहीं होता है आप बोलो हाँ होता है होता है कि नहीं होता है बोलो तो साइन ए साइन बी साइन सी ठीक ये है मान लो कि हमने ए और बी को दो बराबर कोण रखे तो ये हमारे पास हो गया ए अपॉन साइन तीस बहुत ध्यान से सुनना यहां पर हो जाएगा बी अपॉन साइन तीस और यहां हो जाएगा सी अपॉन में साइन एक सौ बीस सी अपॉन में साइन एक सौ बीस अब ध्यान से सुनोगे तभी समझ पाओगे नहीं तो नहीं समझ पाओगे साइन तीस का मान बच्चों कितना होता है तो आप बोलोगे साइन तीस का मान सर जी एक बटे दो होता है यहां से भी साइन तीस का मान सर जी एक बटे दो ही होगा ये दोनों भुजाएं तो बराबर दिख रहे हैं इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अगर मान लो ये दोनों कोण बराबर है तो अगर ये भुजा एक्स मान लेता हूं तो ये भी भुजा एक्स ही होगी हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि हमें इस कोण के सामने की ये वाली भुजा पता चल जाए तो काम बनेगा अरे बोलो यही तो पता चलना है चलो अच्छा बी को हमने इस वाली भुजा को एक्स मान लिया है और यहां पर हुआ हमारे पास एक सी भुजा जो है वो हमें निकालनी है ये वाली भुजा और साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस तीस लिख सकते हो बोलो हाँ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा है। दूसरे चतुर्थाश में कॉस होता है माइनस का और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चों माइनस का रूट थ्री बाई टू होगा इसका इसके साथ गुणा इसका इसके साथ गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का और इसका जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा सी में 2 हो जाएगा। दो से दो कट जाएगा तो जो तीसरी भुजा है सी वो भुजा हमारे पास आ जाएगी माइनस का रूट थ्री एक्स बोलो ये बात समझ में आई हमारे पास तीसरी भुजा आ गई बच्चों माइनस का रूट थ्री एक्स खुश रहो तीसरी भुजा आ गई अब हमारे पास जब तीसरी भुजा भी आ गई तो एक भुजा ये है दूसरी भुजा ये है तीसरी भुजा माइनस का रूट थ्री एक्स ये है क्या परिमाप नहीं निकल पाएगा और अगर परिमाप निकल गया तो सबसे बड़ी भुजा नहीं निकल पाएगी अरे बोलो निकलेगी कि नहीं भाई साहब मैं आपसे एक बात चीज पूछ रहा हूं जरा सबसे पहले ये बताओ कि साइन एक डिग्री का मान क्या होता है सभी लोग मुझे सभी लोग बताओ जरा मैं आपसे जो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ बताइए डिग्री का मान क्या होता है इसको साइन नब्बे हो बोलो साइन नाइनटी प्लस थीटा कहाँ होता है नाइन्टी पर खत्म हो जाता है अगला एंगल यहाँ पर आएगा साइन नाइन्टी प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा होगा कॉस तीस डिग्री और इस वाले चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा कौशिक प्लस होते हैं तो ये कॉस तीस का मतलब क्या आ जाएगा कॉस तीस का मतलब रूट थ्री बाय टू हो जाएगा अरे बोलो हो जाएगा लेकिन ये प्लस ही रहेगा अब मेरी बात सुन लो यार मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं मुझे साइन 120 का मान बताओ ये प्लस होगा या माइनस होगा बाकी सारी बातें छोड़ो देखिए मैं कितना समझदारी से तुम लोग काम लेते हो आगे तो हम लोग चल ही रहे हैं चलने मुझे सिर्फ साइन 120 का मान तुम लोग बताओ जिसको आ जाए जल्दी से बताओ देखिए त्रिकोण का सबसे छोटा सबसे बेसिक हिस्सा पूछा बताइए <coughs> पहले ये बताओ बाकी बातें बाद में जल्दी से बताओ खुश रहो विनोद भाई खुश रहो स्किप क्यों करोगे भाई ये कौन सा इतना कठिन सवाल है कि तुम स्किप करने की बात कर रहे हो पहले सुनो समझो देखो तो सही फिर स्किप करने की बात कर लेना तो अच्छा लगेगा हमको भी तुम बिना सोचे स्किप करने जा रहे हो क्या जहां मैंने अपनी तरफ से कुछ एक सवाल दान दिया कि साइन 120 का मान बता दो वहां तुम लोगों की हवा टाइट हो जाती है वहां फिर तुम लोगों को आता नहीं कुछ है ना ये रूट थ्री ही होगा क्या होगा प्लस का रूट थ्री होगा ठीक है अगर प्लस का रूट थ्री हुआ तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो त्रिभुज का परिमाप होगा और उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो रूट थ्री एक्स होगी तो हमें उसी का दोनों का अनुपात निकालना था आपका आ जाएगा ठीक है यही बात मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था ये छोटी सी बात तुम लोगों को किसी को समझ में नहीं आएगी ना तुम लोगों ने उत्तर देने की कोशिश करी कि शर्म उत्तर दे देंगे ठीक चलो अब अगर हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 2x √3x ठीक और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी रूट √3x ये हो गया रूट √3x और यहां पर हो गया 2x प्लस में तो रूट थ्री एक्स यहां से एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये अपने पास है तो टू प्लस रूट थ्री हो जाएगा अरे बोलो रूट थ्री से नीचे भाग दिया जा सकता है आप बोलोगे हाँ सर नीचे भाग दे सकते हैं जब भाग दे लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है और वो आपका आंसर हो जाएगा स्पष्ट हुई बात अरे बोलो सबसे बड़ी भुजा ये हो गई त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग हो गया तो वो ये हो गया अब इन दोनों में x कॉमन था तो x बाहर निकाल लिया वो x इससे कट गया अब ये रूट थ्री है ये टू प्लस रूट थ्री है खुद से बताओ जरा आंसर क्या मिलेगा कोई दिक्कत है बोलोगे सर ये रूट थ्री है ये टू प्लस रूट थ्री है ये आंसर है C। बच्चे पहले क्या अंधा तुक्की में क्या दे रहे थे कह रहे थे दो बटे तीन उसमें सतेंद्र शामिल था यही तो दिक्कत होती है कि सवाल को समझे बिना करना लगोगे ना जब तो हमेशा यही होगा 21 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब यह आपको आंसर चाहिए बच्चे तो बच्चे अगर हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए होता है मान लीजिए एक प्लस दो प्लस तीन लगातार एन तक चाहिए है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एन प्लस वन बाई टू अगर हमको स्क्वायर का योग चाहिए होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं एन बाई सिक्स एन प्लस वन टू एन प्लस वन ये लिखते हैं और अगर हमें प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग चाहिए होता है तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है जिन बच्चों को नहीं पता है लिख लो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू और इस पूरे का होल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर ये बात पता है सभी को जितने लोगों को नहीं पता है वो जरूर लिख लीजिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो बच्चे ये शुरुआत तो 21 से हो रही है हमें 21 का चाहिए ही नहीं था हमें कहाँ से चाहिए था हमें एक से चाहिए था तो पहले मैंने एक से लेकर 40 तक का क्यूब का योग निकाल लिया कहाँ से कहां तक एक से 40 के क्यूब का योग निकाल लेते हैं ठीक और उसमें से बच्चों अगर हम एक से बीस तक के क्यूब का योग घटा देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा बोलो आएगा कि नहीं एक से बीस तक के क्यूब का योग घटा दें तो एक से चालीस तक के क्यूब का योग क्या होगा तो आप बोलोगे एन एन प्लस वन का मतलब इकतालीस बटे दो का होल स्क्वायर और माइनस बीस तक में क्या होगा बीस बीस प्लस एक इक्कीस इक्कीस बटे दो का होल स्क्वायर ध्यान से सुनना यहां पर हो जाएगा बच्चे बीस और इकतालीस गुणे बीस करेंगे तो हमारे पास बयासी 82 यानी आठ सौ बीस का होल स्क्वायर आएगा माइनस यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा बच्चों दो सौ दस का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 820 सौ बीस प्लस दो सौ दस होगा और बच्चों एक बार दोनों को घटाएंगे तो 820 सौ बीस माइनस दो सौ दस होगा होगा या नहीं होगा आप बोलोगे होगा जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास एक हजार तीस आ जाएगा क्या आ जाएगा एक हजार तीस और जब इसका अंतर लोगे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास छह सौ दस आ जाएगा इन दोनों का गुणा करना है तो दो जीरो तो पहले हो जाएंगे एक इसका एक इसका एक सौ तीन में इकसठ का गुणा करोगे इकाई की तरफ तीन आएगा मतलब ये आंसर खत्म होगा बाकी में से कोई भी हो सकता है जरा देखो भाई अगर मैं एक सौ तीन में किसका गुणा कर लेता हूं हमारे पास साठ प्लस एक का गुणा कर लेता हूं यानी कि इकसठ का गुणा करता हूं इकसठ का दो जीरो तो पहले लग गए साठ का गुणा कर लेंगे तो जीरो तीन छंग अठारह और छ एकम एक छ और यहां पर बच्चों अपने पास क्या होगा 103 और हो आ जाएगा तो इसको जब जोड़िएगा तो आपके पास क्या मिलेगा आपके पास मिलेगा 6283 6283 ये हो जाएगा दो जीरो पहले से लगे हैं ये आपका आंसर हो जाएगा छह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ और छह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ ऑप्शन नंबर ए में लिखा किसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ए में बोलो बात समझ में आई इसीलिए मैं आपको एक एक चीज इसलिए बिल्कुल धीमे से इसलिए समझाना चाहता हूं कि कोई भी चीज मान लीजिए यहां हो जाती है गड़बड़ कभी कुछ हो जाता है इट्स ऑल ओके एग्जाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ठीक है जरा एक बार सभी बच्चे सेशन को दबा के पहले सेशन लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट कम से कम जितने लाइक उतने लाइक हो जाने चाहिए जल्दी से सभी लोग जल्दी से दबा के सेशन को एक बार लाइक और शेयर करिए अगला सवाल देखिए देखिए ठीक है हो सकेगा तो ज्यादा भी सवाल कराएंगे एक व्यापार में ए बी और सी साझेदार हैं उनके लाभ का हिस्सा किस प्रकार से है कि ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा जो है वो बराबर है बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा कह रहा है अगर सी का लाभांश सत्ताईस हजार है तो बच्चे अगर तीन का मान हमारे पास सत्ताईस हजार है तो एक का मान कितना होगा एक का मान नौ हजार होगा आप बोलोगे हां और ये जो हिस्से थे ना ए बटे बी का ये भी तो एक बटे तीन के अनुपात में ही थे तो अब बी का हिस्सा वहां से नौ हजार निकला है तो बच्चे अब नौ हजार किसके बराबर होगा तीन के बराबर होगा तो नौ हजार अगर तीन के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा एक होगा हमारे पास तीन हजार के बराबर यानी ए का जो हिस्सा होगा बच्चों वो कितना होगा तीन हजार होगा यही अच्छा बी और ए के लाभांशों का अंतर पूछ रहा है तो बच्चे ए का हिस्सा कितना हो गया ए का हिस्सा हो गया हमारे पास तीन और बी का हिस्सा कितना निकाला था बी का हिस्सा निकला था नौ और सी का हिस्सा कितना निकला था सत्ताईस हजार आप देखिए खुद हर बार एक और तीन का अनुपात है इसमें भी एक और तीन इसमें भी एक और तीन कह रहा था इन दोनों के हिस्सों का अंतर बताना है तो इन दोनों के हिस्सों का अंतर बच्चों कितना आ जाएगा छह हजार आ जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा छ हजार बोलो आया सभी का अरे हुआ कोशिश करो हो जाएगा सब्सक्राइब चलिए बताइए बताओ दोस्तों बताओ 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई छह हजार बिल्कुल सही जवाब दिया वेरी गुड वेरी गुड छ हजार करेक्ट आंसर ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिसका माध्य अनुपात सोलह हो और तृतीय अनुपात ये हो भाई अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी तो इसका जो माध्य अनुपात होता है यानी मिडिल रेशियो होता है वो क्या होता है बच्चों वो होता है रूट ऑफ ए बी और इसका जो थर्ड रेशियो होता है तृतीय अनुपाती होता है बच्चों वो क्या होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाता है वो हो जाता है b स्क्वायर अपॉन में a होता है ये होता है तो अगर हमारे पास इनका तृतीय अनुपाती 1024 है तो संख्या क्या हो सकती हैं जिसका मध्य अनुपात 16 होना चाहिए मतलब मध्य अनुपात के लिए दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 16 होगा तो भैया ये 32 है ये 4 है तो 32 2 64 64 2 और कर लेंगे 128 तो वर्गमूल 16 हो ही नहीं सकता अब देखिए जिसका गुणनफल दो है दो का जब आप वर्ग करेंगे ना तभी ये वर्ग लेंगे तभी सोलह आएगा मतलब वो संख्याओं को देखो जिनका गुणा करने से दो आ रहा है चौसठ गुणे चार दो होता है ये हो सकता है और बत्तीस गुणे आठ दो हो सकता है ये छप्पन होता नहीं तो ये खत्म हो गया अब आंसर बी होगा या सी होगा हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें फॉर्मूला लगाना होता तो हम कर ही नहीं लेते फॉर्मूले का यूज नहीं करना है केवल ये समझना है अब आंसर होगा बी या डी फॉर्मूले में अगर मान रख के करना होता तो कौन सी बड़ी बात है कौन नहीं कर लेगा भाई है सिंपल सी बात है अब इसका मतलब अगर तृतीय अनुपाति बच्चे एक हजार चौबीस है तो दूसरी वाली संख्या का हमने वर्ग किया होगा और उसको पहले से भाग दिया होगा तो बच्चे अगर हम यहाँ चौंसठ गुणे चौंसठ लिखते और बटे चार करते तो ये सोलह होता है। सोलह गुणे चौसठ क्या हमारा एक हजार चौबीस होता है तो अपना आंसर क्या बन जाएगा अपना आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा डी को खारिज कर दिया जाएगा क्या आंसर बनेगा बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी बनेगा ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर एक्स दिया है तो एक्स का मान क्या होगा अरे भाई ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ना अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो हम आपको करके बता रहे हैं कि सेक ए माइनस टेन ए का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों ये वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन होता है क्या होता है वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन होता है अच्छा पहले तो मुझे ये बता दो ये कितने बच्चों को याद था ईमानदारी से बताना ये कितने बच्चों को याद था और अगर नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा पहले ये मुझे बताओ ये कितने बच्चों को याद है अब अच्छा चलो जिनको नहीं आता उनको मैं बता दे रहा हूं भाई से के को आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन cos से लिख सकते हो आप बोलोगे हाँ उसके बाद टेन ए को आप क्या लिख सकते हो टेन ए को बच्चा लिख सकते हो साइन ए अपॉन में cos ए ठीक है थीके? और इसका ऊपर दिया हुआ है होल स्क्वायर अब ध्यान से सुनना जबरदस्ती जल्दबाजी मत करना कॉस का एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर आएगा वन माइनस साइन ए आएगा क्या आ जाएगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बच्चों अपने पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए ये तो एज इट इज बना रहेगा कि वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो आप ऐसे ही लिख सकते हो लेकिन कॉस को आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बोलो हाँ या ना? लिख सकते हो आप बोलोगे हाँ और बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर ए को जरा समझना क्या लिख सकते हो अगर इसका स्क्वायर लिख दें तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन है और ये हो जाएगा वन माइनस साइन है हो जाएगा आप बोलोगे हां सर हो तो जाएगा ऊपर हमारे पास वन माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर लिखा ही था तो माइनस वाले से ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन नहीं तो बचेगा और यही हमारा एक्स होगा तो एक्स का मान क्या होगा वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए याद कर लिया करो ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको मैं हमेशा बोलता हूं उसको याद कर लो तो याद कर लिया करो ना तो उसमें बुराई क्या है भाई ये आपके लिए एक ही बार नहीं कई बार काम आएगा हो सकता है सवाल कई बार काम आ जाए तो आप उसको याद कर ले तो बेहतर होगा आपके लिए ठीक है तो ये हाई लेवल है ही कहा बच्चा ये तो बिल्कुल फॉर्मूला है इसका बेसिक है ये तो हाई लेवल है ही नहीं बच्चों ये तो इसका बिल्कुल बेसिक हिस्सा है फॉर्मूला है केवल आप अगर ये फॉर्मूला याद रखते तो आपका आंसर आ जाता तो ये हाई लेवल कहां था बालक सही था ही नहीं हाई लेवल सर हम आपके क्लास में पीछे बैठे परंतु आपका ध्यान आकर्षित नहीं हो यार हमारे आकर्षण के पीछे मत पढ़ो तुम्हारा आकर्षण किसी सही जगह पर होना चाहिए मेरे प्रति आकर्षण है ये अच्छी बात है मेरे प्रति आकर्षण मत रखो हम जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रति आकर्षण रखिए आप और मेरा सभी के प्रति पर्याप्त और बराबर आकर्षण है ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए दो अंकों की एक संख्या का गुणनफल बहत्तर है यदि इस संख्या में नौ जोड़ा जाए तो प्राप्त नई संख्या इस संख्या के अंकों के क्रम का उल्टा हो जाती है तो संख्या क्या होगी अंकों का गुणनफल बहत्तर है इसमें अंकों का गुणनफल बहत्तर नहीं है इसमें अंकों का गुणनफल बहत्तर नहीं है इसमें नौ अगर आप जोड़ते हैं तो यह तो हमारे पास नौ आठ सत्रह एक होगा अंकों का क्रम तो पलटेगा ही नहीं और इसमें अगर आप नौ जोड़ देते हैं तो उन्यासी प्लस नौ हमारे पास बच्चे अट्ठानबे होगा संख्या के अंकों का क्रम बदल जाएगा तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब यहां पे भी अगर तुम सी आंसर दोगे तो कैसे काम चलेगा अगला बताइए बहुत ध्यान से बताइए नेक्स्ट यहां पे भी अगर तुम सी आंसर दोगे तो कैसे काम चलेगा मित्र और वापस भी ले, ले लेते हो खटाक से जरा सेशन सभी लोग लाइक और शेयर तो करो भाई फटाफट से है जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करिए दो के साथ में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ दें छोटी से छोटी संख्या ताकि 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए मेरी बात को बच्चे बहुत ध्यान से सुनना बड़ा मजा आने वाला है जब कभी से आपसे ये पूछा जाए न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़े यानी कम से कम संख्या कौन सी जोड़े मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना तो बच्चे हमारे पास पहले मैं आपको ये पूरा करके बता देता हूं ताकि आप समझो जरा ये लिखा है बच्चे उनतीस इसको हम सत्रह से डिवाइड कर रहे हैं देखना जरा सत्रह एकम सत्रह क्यों हम आपको ऐसे डिवाइड करके बता रहे हैं उसके पीछे की वजह है सीख लेना जरा ठीक है सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस हो गया हमारे पास छः बचा सात लिख लिया उसके बाद सत्रह त्याई इक्यावन हो गया बच्चों ध्यान से सुनना इक्यावन हो गया तो सोलह से बचा अगर आपसे ये पूछता अगर आपसे ये पूछता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए नोट करिएगा इस बात को अगर आपसे पूछता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ बड़ी संख्या पूछी जाती है अगर आपसे पूछता कि वह बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर वो फला फला से क्या हो जाए पूरी कट जाए तो आप दी हुई संख्या में शेषफल को जोड़ दीजिए सीधे सीधे आप दी हुई संख्या में क्या करिए जो आपका शेषफल आया है उसको आप जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा लेकिन यदि आपसे छोटी संख्या पूछी गई है कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर ठीक है क्या पूछ दिया जाए वह छोटी संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर वह फला फला संख्या से कट जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में आप भाजक और शेषफल का जो अंतर होगा भाजक और शेषफल का जो अंतर होगा आप उसे संख्या में जोड़ेंगे उसे क्या करेंगे संख्या में जोड़ने की बात करेंगे तो भाजक और शेषफल का अंतर क्या है यहां पर भाजक है 17 ये आपका भाजक है भाजक का मतलब डिवाइजर है ये आपका भाजक है भाजक का मतलब बच्चे क्या है भाजक का मतलब है ये डिवाइजर है ये आपका भाज्य है भाज्य का मतलब ये डिविडेंड है ठीक ये आपका शेष ये आपका भागफल है क्या है ये आपका भागफल है यानी क्वेशेंट है क्या है क्वेशेंट है और ये आपका ये आपका आपका शेषफल है, है। यानी कि बच्चे क्या है रिमाइंडर तो यहां पर भाजक और शेषफल का अगर अंतर आप देखेंगे तो भाजक था सत्रह और शेषफल था सोलह इसके बीच का अंतर क्या आएगा एक आएगा यानी आप क्या जोड़ेंगे तो आप एक जोड़ेंगे यानी आंसर होगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी जिसका अगर सोलह आया होगा ना तो सोलह गड़बड़ होगा इस कारण से मैंने ये भाग आपको इस तरीके से करके दिखाया है ताकि ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों बातों की उसे आप याद कर लें या दो चार सवाल इसी पर लगा लें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए ठीक है ठीक नेक्स्ट बताइए ये सवाल देखिए बताइए घटाना नहीं था जोड़ना था देखो लिखा है साफ साफ न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ठीक बताओ ए प्लस बी का मान दस है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अट्ठावन है तो ए माइनस बी का मान क्या होगा अच्छा वैल्यू इमेजिनेशन आपको पता है कि आप वैल्यू को इमेजिन कर सके तो आप बोलोगे हाँ सर वैल्यू को इमेजिन करके सवाल को किया जा सकता है लेकिन जब कभी भी आप ऐसे सवालों को वैल्यू इमेजिन करके कर रहे हो ना तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सतर्कता बरतनी है नहीं तो जरा सी गलती में आपका आंसर हो जाएगा गड़बड़ सुनिए अगर मैं ए को सात मान लेता हूं और बी को मैं तीन मान लेता हूं मैंने ए को सात और बी को तीन मान लिया तो दोनों का योगफल दस होगा आप बोलोगे हाँ और अगर मैं यहां पर सात का स्क्वायर उनचास लिख लू और यहां पर तीन का स्क्वायर अगर नौ लिख लू तो उनचास प्लस नौ फिफ्टी एट होता है आप बोलोगे हाँ सर होता है इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई क्या बात पता चल गई कि सर हमारे पास ए का मान सात है और बी का मान हमारे पास क्या है बी का मान हमारे पास तीन है बताओ आंसर क्या होगा आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी या डी जल्दी बताओ नरेंद्र चौधरी चार आंसर दे रहे हैं राजेश टेक्निकल चार आंसर दे रहे हैं वी के जी चार आंसर दे रहे हैं और जैसे ही बच्चा तुमने चार आंसर दिया ना तो ये चार आंसर आपका गलत हो जाएगा आप कहोगे अरे सर ये सात है ये चार है तो सात माइनस तीन देखेंगे तो हमारे पास चार ही तो आएगा और आप कह रहे हो कि ये चार गलत हो जाएगा जानते हो क्यों चार गलत हो जाएगा नहीं चार हंड्रेड परसेंट गलत होगा क्योंकि ये प्लस माइनस फोर होगा दोनों होंगे प्लस भी होगा और माइनस भी होगा कैसे अब जरा उस बात पर नजर डालो थोड़ी सा दिमाग की जरूरत होती है ऐसी चीजों पर सुनिए भाई साहब आपके पास a प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है आप सभी को पता है क्या तो आप बोलोगे सर होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर दस का स्क्वायर होता है सौ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपके पास अट्ठावन दे रखा था ये हो गया बच्चे टू ए बी तो ए बी का मान अगर हम यहां से निकालेंगे तो ए बी का मान हमारे पास इक्कीस आ जाएगा भाई में से अट्ठावन को माइनस करोगे को दो से डिवाइड कर दोगे तो ए बी का मान आ जाएगा बोलो ना बोलोगे सर और बच्चा अगर ए बी का मान इक्कीस आ गया तो अब आपको ए माइनस बी का मान निकालना है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ जरा तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान फिफ्टी एट था और टू ए बी की वैल्यू आपके पास दे रखी थी बयालीस तो बच्चे ये अगर आप निकालते हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अट्ठावन में से बयालीस माइनस करोगे सोलह तो बच्चों अगर आप सोलह का वर्गमूल लेंगे ना तो सोलह का वर्गमूल कभी भी एक संख्या हो ही नहीं सकती या तो प्लस चार होगा या तो माइनस चार होगा इसलिए सिर्फ एक पहलू को देखकर आप एक आंसर मत दिया करें ऐसे प्रश्नों में ये सारी चीजें अगर आप सोच समझ कर काम करके चलेंगे तो आपका सही जवाब आएगा और नहीं तो क्या होगा आपका आंसर गड़बड़ होगा ठीक तो यहां पर बच्चे आंसर क्या आएगा सिर्फ चार नहीं आएगा आपका आंसर प्लस माइनस चार दोनों हो सकता है ये माइनस की संख्या हो सकती है ये प्लस की संख्या हो सकती है तब भी आपका आंसर माइनस चार भी हो सकता है यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ आंसर प्लस चार नहीं आएगा क्या आएगा प्लस माइनस चार आएगा ठीक है हाँ तो ये याद रखना चलो बताओ नेक्स्ट आ हाँ ये सवाल तो बता लोगे मुझे पूरी उम्मीद है हंड्रेड परसेंट ये सवाल आप लोग मुंह जवानी बता लोगे ये मुझे उम्मीद है हंड्रेड परसेंट और सेशन को लाइक और शेयर कर दोगे ये भी मुझे पता चल रहा है हैं जिन बच्चों ने नहीं किया वो तो कर ही सकते हैं हाँ प्लस माइनस चार वेरी गुड सुनना मित्र सुनो व्रत का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो व्रत की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी आप कहोगे हाँ लिखना नहीं ध्यान से सुनना अगर किसी वृत्त की त्रिज्या सात सेंटीमीटर होती है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल एक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बात पता है और अगर व्रत की त्रिज्या दो गुनी हो जाएगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है चार गुना हो जाता है तो व्रत की त्रिज्या अगर दो गुनी होगी तो सात दूनी चौदह हो जाएगी तो क्षेत्रफल एक सौ चौवन गुण चार छह सौ सोलह हो जाएगा फॉर्मूला अगर किसी ने लगाया इस सवाल में तो समझ लेना पिटाई पिटाई हो जाएगी अगर फॉर्मूला अच्छा बी आंसर दे रहा हूं धरेन्द्र चौधरी उमंग यदुवंशी का तो ठीक था इसमें आंसर बी दिया है नरेंद्र भाई चौधरी ने बिल्कुल गलत आंसर दिया है कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं अगला सवाल करके बताइए फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो यार उसमें जब आपको गोल्डन कॉन्सेप्ट सर्किल का पता है तो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं थी सेशन लाइक और शेयर करना है आपको सभी को एक विक्रेता चौदह रुपए में नींबू 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 की दर से बेचता है अच्छा जिससे उसे सोलह सही दो बटे तीन परसेंट का लाभ होता है दो दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे अभी आपने ऐसा सवाल किया है चौदह रुपए खर्च किए तो उसने छह नींबू बेचे हैं और छह नींबू बेचा है तो सोलह सही दो बटे तीन परसेंट का लाभ हो गया यानी विक्रय मूल्य हो गया 116 सही दो बटेट कह रहा है दो दर्जन नींबू कितने की खरीदे मुझे नहीं पता मैंने कहा एक रुपए के खरीदे दो दर्जन में चौबीस वस्तुएं होती है और जब वो खरीदेगा तो उसका जो मूल्य होगा वो तो हंड्रेड ही होगा भैया बोलो होगा कि नहीं होगा बोलोगे हाँ सर होगा तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कटता दिखाई दे रहा है यह चौबीस तो से कैलकुलेट करना है एक सौ सोलह गुणे तीन तीन सौ अड़तालीस तीन सौ अड़तालीस प्लस दो तीन सौ पचास बटे तीन तीन सौ पचास बटे तीन ध्यान से सुनना तीन सौ पचास बटे तीन और प्रतिशत का सौ यहां पर और बटे में हमारे पास खुद ही सौ है एक जीरो से एक जीरो को काटिए पांच सत्ते पैंतीस करिए पांच दूनी दस करिए बहुत ध्यान से सुनिएगा तीन दूनी छ बटे सौ का मतलब सात बटे छ सौ हो जाएगा ये अपना कितने पास हो जाएगा सात बटे छ सौ बात समझ पा रहे हो ये बात समझ पाए सभी लोग की नहीं समझ पाए बोलो हाँ है ना भाई मैं ये कह रहा हूं कि परसेंट से परसेंट कट गया तो ये हो गया छ तीन सौ अड़तालीस प्लस दो तीन सौ पचास बटे तीन और इस तीन का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये तीन सौ कर सकते हो आप थोड़ा और समझ लो अच्छे से। जीरो से जीरो आंसर बनाइए ऑप्शन नंबर बी को अड़तालीस कपिल कनपुरिया कपिल प्रेमी बघेल जो छत्तीस आंसर दे रहे हो छत्तीस बिल्कुल गलत है सही जवाब क्या होगा बच्चों अड़तालीस किसका सही जवाब था किस क्या नाम है एम लंबा इनका सही आंसर है राहुल गुप्ता का सही आंसर है ठीक है टू डजन छत्तीस के अब छत्तीस के नहीं आएगा भैया सही से कर ले अड़तालीस के आएगा छ अठे अड़तालीस होता है ना उमंग यदुवंशी पार्थ मंडल गौरव ठीक है हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ग्राफ आ गया डीआई आ गई भाई और डीआई आई रेलवे में तो मतलब बोनस नंबर आ गया रेलवे में डीआई के आने का मतलब है बोनस नंबर आया चलिए ट्रेन अच्छा टोटल यात्रियों की कुल संख्या हमारे पास अड़तालीस सौ दे रखी है कह रहा है ट्रेन ए सी और एफ में मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या क्या होगी ट्रेन ए में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं बारह परसेंट ट्रेन सी में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं सत्रह परसेंट और ट्रेन एफ में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं बाईस परसेंट तो सत्रह और बारह मिलकर हो गया उन्तीस उन्तीस और बाइस का मतलब इक्यावन परसेंट लोग यात्रा कर रहे हैं इक्यावन परसेंट टोटल तीन ट्रेन में इक्यावन परसेंट लोग यात्रा कर रहे हैं तीन ट्रेन में तो तीन से भाग दे दीजिए तो सत्रह परसेंट आ जाएगा औसत ये औसत आ जाएगा इसका सत्रह परसेंट बच्चों कितना आ जाएगा सत्रह परसेंट औसत आ जाएगा आप बोलोगे आ जाएगा और अड़तालीस सौ का अगर आपको सत्रह परसेंट निकालना है तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए भाई दो जीरो से दो जीरो खत्म सत्रह का मल्टीप्लाई करना तो आता है ना सत्रह अट्ठे सात अट्ठे छप्पन इकाई में छह मिलेगा बोलो गुणा कर लोगे कि नहीं कर पा अड़तालीस <coughs> में सत्रह का अड़तालीस <coughs> में सत्रह का गुणा कर लोगे अच्छा कितने बच्चे ईमानदारी से बताना ईमानदारी से थोड़ी सी थोड़ा ईमानदारी यहाँ दिखाना सत्रह उन्नीस का पहाड़ा कितने बच्चों को याद है अभी भी ईमानदारी से बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सत्रह और उन्नीस का पहाड़ा याद है सत्रह अठे बता दो कितना होता है अब देखो एक आंसर दे रहा है कह रहा है आठ सौ चौबीस जबकि मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी इकाई में अंक छह आएगा तो आठ सौ चौबीस आंसर दे रहा है क्या नाम है इनका इनका नाम है गुलशन कुमार इनको सत्रह का पढ़ा नहीं आता अबे सत्रह अट्ठे एक सौ छत्तीस होता है एक सौ छत्तीस के छह यहां से लगेंगे तेरह सत्रह चौको अड़सठ अड़सठ और तेरह बोलो अड़सठ और तेरह इक्यासी नेक्स्ट बताइए भैया छोटे छोटे सवाल अगर तुम गलत करोगे तो मैं पहाड़े नहीं याद रहेंगे कैसे काम चलेगा तुम्हारा जीवन में ए? कैसे काम चलेगा अरे तुम मेरी चाय के पीछे पड़ा भाई भी के जी नजर लगा देगा मेरी चाय में आज लग रहा चाय आएगी नहीं नजर लगा दे रहा भाई है ये बताओ नीचे दिए गए छायांक में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमारा जो है एक डायग्राम दिया है इसमें जो छायांकित वाला हिस्सा है जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया बताना है बताओ याद है तो सही आंसर क्यों नहीं दिया फिर तुमने गुलशन कुमार देखो कह रहा ओ ए का मान एक सेंटीमीटर है ओ का अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ओ ए है देखो मैं दिखा देता हूँ ये अपने पास ए है ये अपने पास सी है उसके बाद ये ओ है ये बी है और ये हमारे पास डी है ये हमारा एक सर्किल बना था देखो मैं आपको बना भी देता हूं बता भी देता हूं सिखा भी देता हूं ये हमारे पास बच्चों हमारा एक सर्किल बना था क्या बना था यह हमारे पास एक व्रत बना था कुछ इस तरीके से ठीक इस व्रत का ये वाला भाग जो था वो छायांकित था अब दिख रहा है डायग्राम इसमें यह वाला जो हिस्से है ना ये वाले हिस्से चारों तरफ ये हिस्से जो है ये छायांकित है और इसी छायांकित भाग का तुमको क्षेत्रफल बताना है कि ये जो शेडेड रीजन है इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा जल्दी से बताओ ये जो छायांकित वाला हिस्सा है जिसको मैंने अब आपको दिखा दिया है अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये क्या होगा ये नब्बे डिग्री है ए और ओ ए का मान जो है वो एक सेंटीमीटर है ये एक सेंटीमीटर अब तो बता पाओगे अब तो बता सकते हो ना बताओ दिख रहा है तो भैया अगर ओ से ए तक एक सेंटीमीटर है तो इसका मतलब जो वृत्त की त्रिज्या हो गई हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या अगर एक सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई इंटू वन का स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल तो, तो हमारे पास पाई ही रहेगा अब इस क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है इस व्रत के क्षेत्रफल में से अगर ये जो हमारे पास अंदर बना वर्ग है इसके क्षेत्रफल को घटा ले तो काम बनेगा आप बोलोगे हाँ? तो बनेगा अगर बच्चा बताओ ओ से ए तक वन है तो ओ से सी तक कितना होगा ये भी वन होगा क्योंकि ये भी व्रत की त्रिजा है, है कि नहीं है और ये वर्ग का ए से सी तक जो हिस्सा है ये वर्ग का विकर्ण है वर्ग का विकर्ण क्या होता है तो आप बोलोगे सर वर्ग का विकर्ण तो साइड रूट टू होता है और ये हमारे पास दो दिया है एक प्लस एक दो तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी वर्ग की भुजा हो जाएगी दो को रूट टू से काटोगे रूट टू हो जाएगी हो जाएगी अब अगर वर्ग की भुजा रूट टू हो गई तो वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्र और रूट टू का होल स्क्वायर तो दो ही होता है यानी हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया दो और इस वृत्त के क्षेत्रफल में बच्चे अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल को यानी दो को घटा लेंगे तो हमारे पास छायांकित भाग ही तो बचेगा तो हमारे पास बच्चे छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आ पाइव माइनस टू आ जाएगा और सी अपना आंसर हो जाएगा इसमें क्या तकलीफ थी बताओ क्या तकलीफ थी इसमें सवाल में नेक्स्ट आइए बताइए सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है उसमें कंजूसी दिखाई है मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सेशन को दबा के एक बार लाइक और शेयर कर दो सभी लोग फटाफट से ठीक है चलिए रवि और रविंद्र की मासिक आय नौ और सात के अनुपात में है जबकि उनके मासिक जो खर्चे हैं वो चार और तीन के अनुपात में है अच्छा अगर उन्होंने पंद्रह सौ और दो हजार की बचत की है तो उनकी कुल मासिक आय कितनी है कुल मासिक आय पूछा है तो देखो दोनों की कुल मासिक आय जो है नौ और सात सोलह है सोलह से कटने वाली संख्या आंसर होनी चाहिए सोलह से पैंतीस सौ कट नहीं सकता सोलह से सात हजार कटेगा नहीं कट जाएगा सोलह चौको चौसठ छः बचेगा सोलह थे अड़तालीस सोलहते हैं अड़तालीस बारह बचेगा और नहीं कटेगा और सोलह से छपन सौ यह भी नहीं कटेगा कटेगा क्या नहीं कटेगा तो सोलह सत्ते सोलह सत्ते हो गया बोलो ठीक है डी आंसर इज द राइट आंसर ठीक कितने बच्चों को इस सवाल को पूरा करना आता है और ईमानदारी से बताना कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसे ये सवाल करने में मतलब पूरा उसको करना नहीं आता है मैं बता सकता हूं रवि है और रविंद्र है देखो आप सीख लो नहीं तो कुछ बच्चे यही कहोगे अरे यार सर जी ने तो शॉर्टकट बता दिया पूरा तो बताया नहीं रवि है और रविंद्र है इनकी जो इनकम है वो नौ और सात के अनुपात में है बच्चों ध्यान से देखना रवि अपनी इनकम का पंद्रह सौ रुपए बचा लेता है और जो है रविंद्र अपनी इनकम का दो हजार रुपए बचा लेता है इसके बाद रवि और रविंद्र के जो मासिक व्यय है उनका जो खर्च है ना वो अपने है चार और तीन के रेशियो में है बहुत ध्यान से सुनना कितने रेशियो में है चार और तीन के बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड इस इस्तेमाल करेंगे नौ तेईस सत्ताईस सात चौको अट्ठाइस अंतर मिलेगा एक यूनिट का उसके बाद इसका गुणा इसमें पैंतालीस सौ इसका गुणा इसमें आठ हजार पैंतालीस सौ और आठ हजार के बीच का अंतर कितना है पैंतीस सौ तो बच्चे एक यूनिट का मान हमारे पास पैंतीस सौ हो गया एक का मान पैंतीस सौ हो गया तो दोनों की मंथली इनकम पूछ रहा है जो सोलह है तो सोलह यूनिट का मान क्या होगा सोलह गुणे पैंतीस सौ सोलह जीरो जीरो सोलह जीरो जीरो सोलह पंचे अस्सी के आठ हासिल लगेंगे आठ सोलह तय अड़तालीस और आठ छप्पन हो जाएगा तो आपका आंसर क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा छप्पन हजार क्या आएगा छप्पन हजार अब आप सोचोगे कि सर ये एक सौ बारह क्यों आया छप्पन हजार यहाँ पर आंसर क्यों नहीं आया है ना तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो अरे ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो तो क्या आप ये देख पा रहे थे कि सोलह से ये कट सकता है कट सकता है क्या देखो जरा सोलह तय अड़तालीस बारह बचेगा यहां पर बारह क्यों आठ बचेगा और सोलह पंचे अस्सी अब देखिए तो ये संख्या सोलह से कट रही क्योंकि इसके आखिरी के चार अंक जो है आखिरी के चार अंक सोलह से कटने वाले अंक है अब देखो सोलह से कटने वाले अंक है देख पा रहे हो तो ये संख्या तो सोलह से कट रही थी ना और सोलह से कट रही तो आंसर ये हो जाएगा सोलह से दो संख्याएं कट रही थी एक सी और एक डी तो डी तो नहीं होगा सही जवाब क्या होगा <coughs> सी होगा करेक्ट है बोलो बताइए अगला सवाल बताओ भाई ठीक है अरे यार कम से कम जितने लाइव हो उतने फटाक से लाइक तो कर दीजिए कम से कम सभी लोग जल्दी से जरा सेशन को लाइक और शेयर कर दो जितने लोग लाइव हो फटाफट से लाइक कर दीजिए सभी लोग जल्दी से एक बार त्रिभुज एबीसी में कोण ए नब्बे डिग्री है बी तीस डिग्री है चलिए ए नब्बे डिग्री है बी तीस डिग्री है। लाइक like और शेयर करने के बाद ही काम करना डिग्री हो गया ठीक है और बच्चों बी हो गया तीस डिग्री तो बचा ये जो कोण सी होगा ये कितने डिग्री का होगा तो आप बोलोगे साठ डिग्री का होगा और मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण तीस डिग्री एक कोण नब्बे डिग्री और एक कोण साठ डिग्री का होता है तो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो एक के अनुपात में होती है 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा रूट थ्री के अनुपात में होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा दो के अनुपात में होती है ये बात याद है ईमानदारी से बताओ ये बात कितने लोगों के याद है पहले ईमानदारी से मुझे ये बता डालो कितने लोगों को ये बात याद थी यहां कहता है जो बी सी भुजा है उसका मान है हमारे पास रूट थ्री ये मान है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्योंकि 2 के अनुपात में होती है 2 के रेशियो में होती है और 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 के, के रेशियो में होती है तो बच्चा अगर दो का मान हमारे पास इतना है तो आप मुझे बता सकते हो एक यूनिट का मान क्या होगा दो से भाग दोगे तो एक यूनिट का मान होगा बच्चा रूट टू माइनस वन अपॉइंट टू होगा कि नहीं एक यूनिट का मान हो गया हमारे पास ये तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी बच्चे वो तो रूट थ्री के रेशियो में होगी तो रूट थ्री का मान कितना होगा तो बोलोगे का गुणा कर देंगे इसी में यानी कि रूट टू माइनस वन अपॉन टू में रूट थ्री का गुणा कर दिया लीजिए अब हमसे पूछा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल और बच्चे समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल एक बटे दो आधार कितना है आधार है हमारे पास रूट थ्री यहां पर हो जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन टू और फिर यहां पर तो तो हिसाब किताब करना है भाई, ये तो हमारे पास, रूट बना ही रहेगा. इनका जब गुणा करोगे तो रूट टू माइनस वन रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा थ्री माइनस टू रूट टू और नीचे हमारे पास बच्चों आ जाएगा चार आ जाएगा चार अब नीचे देखो जरा नीचे चार दुनिया आठ होगा ऊपर गुणा कर लो रूट का तीन में तो थ्री रूट थ्री होगा। रूट थ्री का गुणा इसमें करेंगे और ये अगर ऐसा हुआ तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा और यही अपना सही जवाब होगा बोलो डी आंसर जिसका जिसका इसमें हंड्रेड परसेंट गलत आंसर है करेक्ट आंसर बोलो बात समझ में आई सभी बच्चों को मुझे पता है क्या पता है भाई तुमको हमें भी तो बताओ जो तुम्हें पता है ठीक है हमें भी बता दिया यार कुछ ऐसी बातें अगर पता हुआ करे तो हमें नहीं बताओगे अरे यार भाई ये गलत है, है? हमें भी बताओ ये बताओ इधर देखो इधर ओए हेलो हेलो ध्यान किधर है स्क्रीन पे ध्यान दो बताओ एक दूध विक्रेता ये दावा करता है कि वह दूध को केवल लागत कीमत पर बेचता है और जब भी कोई दूध विक्रेता ये बोले कि वह दूध को लागत कीमत पर यानी क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो उससे बड़ा बेईमान इस दुनिया में नहीं दुनिया में बहुत सारे बेईमान हैं लेकिन ऐसे दूधियों से ज्यादा बेईमान कोई नहीं हो सकता है जो ये बोल रहा हो कि उसने दूध को उसी मूल्य पर बेचा है जिसपे वो खरीद के लाया अरे भाई तुम खरीद के लाए हो उतने ही पे बेचोगे तो कमाओगे क्या अपने बच्चों को खिलाओगे क्या बीवी को दिलाओगे क्या है भैया है कि नहीं चलो सुनो लेकिन फिर भी वो बीस परसेंट का लाभ ले रहा है तो कैसे ले सकता है तो बच्चों इस बात को सुनना जरा अगर वो वो का लाभ ले रहा है तो इसका मतलब पांच की चीज खरीद रहा होगा एक लाभ ले रहा होगा यानी टोटल उसका हिस्सा कितना होगा तो आप बोलोगे सर जी टोटल उसका हिस्सा तो छ होगा है कि नहीं क्योंकि उसमें दूध की मात्रा में कुछ पानी मिलाया है तो दूध कितना रहा होगा उसमें दूध रहा होगा भाई पांच के अनुपात में और पानी कितना मिलाया होगा जो पानी मिलाया होगा वही तो उसका प्रॉफिट होगा दूध का तो पैसा जाएगा ही तो एक पानी है पांच क्या है दूध है टोटल में से तो कह रहा है मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए टोटल मिश्रण तो छः है दूध इसमें कितना है पांच है तो यही तो हमारा टोटल मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा पांच बटे छटे छ बच्चे तिरासी दशमलव तीन तीन परसेंट होता है याद कर लो भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में अगर ये याद रखोगे तो बहुत फायदा कमाओगे आगे सही आंसर क्या होगा तिरासी दशमलव तीन तीन परसेंट जिसका इसके अलावा कुछ था देखो सी आंसर दे रहा है छाछठ दशमलव छ छ कोई दे रहा है चंदन सिंह और वी जी सूरज सबका संदीप अरे भाई साहब गुलशन ने तो बी दे डाला ए, ये इसका ये, मतलब इतना गंदा सवाल इतना सरल सवाल मतलब तुम्हें जीवन में इतना सरल सवाल नहीं मिल सकता है और तुम इस प्रश्न को अगर गलत कर रहे हो लाओ मेरी छड़ी लाओ जरा लब दिया लाओ लाओ छड़ी ला मेरी बहुत तो कटाई करेंगे अगला सवाल बताओ बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जल्दी से बताइए बताइए ए का मान ये दिया हुआ है ए की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर सिक्स का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे अगर ए का मान आपके पास ये दिया हुआ है क्या कि क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ टू प्लस रूट थ्री क्यूब रूट ऑफ टू प्लस रूट थ्री तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा ए क्यूब और इधर से क्यूब रूट हट के सिर्फ क्या हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री हो जाएगा अब हमें पावर सिक्स निकालनी है और ए की पावर तीन अपने पास है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चे जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो इधर से होल स्क्वायर करोगे चार तीन सात और सात के बाद फोर रूट थ्री आ जाएगा आप बोलोगे आ जाएगा मतलब ये हुआ कि ए की पावर सिक्स जो है वो हमारे पास सात प्लस चार रूट तीन आ रही है तो आप बताइए वन अपॉन ए की पावर सिक्स क्या आएगी इसका परिमेयकरण करेंगे और परिमेयकरण करने पर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा चार माइनस रूट तीन हो जाएगा बोलो या हाँ ना अब अगर मैं दोनों को घटाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों इसी बात को ध्यान देना अगर मैं दोनों को घटा रहा हूं यहां पर घटाना है क्या करना है घटाना है मैं अगर घटाता हूं तो ये माइनस होगा ये, हो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो तो जाएगा ये खत्म हो जाएगा ये दोनों जुड़कर आठ रूट तीन बन जाएंगे और बच्चों जब इधर आप घटाओगे तो ए की पावर छ माइनस वन अपॉन ए की पावर छह हो जाएगा जो कि आठ रूट तीन बनाएगा और आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है होना एक बटा छ निकाल दिए <coughs> बोलो इन्होंने एक बटा छ निकाल दिया निकाल दिया ना तो इनका एक दिन किसी दिन हम बटा एक निकालेंगे और एक बटा छ भी जो है छाछ दशमलव छ परसेंट होता है मंगल से आए हो एक बटा छ क्या होता है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट होता है ना अब एक गए हो तुम लोग क्या कर रहे हो ए? दिमाग खराब हो गया है। बताओ नेक्स्ट अगला सवाल जल्दी से जवाब चाहिए होगा फटाफट से को दबा के लाइक और शेयर करने में पता नहीं क्या हो जाता है तुम लोगों को हैं? दिमाग कहां चला जाता है पढ़ाई करने में मन ही नहीं लग रहा है कैसे पास करेगा तुम एग्जाम चलो जल्दी से बताओ दूध वाला क्वेश्चन पढ़ने में मिस हो गया ऐसा मत करो यहां मिस हो जाएगा फिर वहां मिस्टर बन जाओगे मिस्टर बेचारा एक मोटर बोट ठहरे हुए पानी में दस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है वह एक नदी में अनुप्रवाह के साथ अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ इक्यानबे किलोमीटर की यात्रा करती है और वापस लौटती है तो अगर धारा के साथ वह इक्यानवे किलोमीटर गई है तो जब वापस लौटेगी तब भी तो इक्यानवे किलोमीटर ही वापस आएगी ऐसा थोड़ी है कि वो कम आ जाएगी पूरी यात्रा में उसे 20 घंटे का समय लगा है कितना लगा है 20 घंटे का धारा के साथ उसने कितने समय तक यात्रा किया ध्यान से सुनना बच्चा वो गई भी इक्यानबे किलोमीटर वापस भी आई इक्यानवे किलोमीटर जब गई होगी तो नाव धारा के साथ जाएगी नाव की चाल पता है धारा की चाल हमने s लिख दी वापस जब आएगी तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे तो नाव की चाल पता थी धारा की चाल को एस लिख दिया तो टोटल समय बीस घंटे लगा है तो बच्चा अगर हम ये कहें कि यहां पर इसे तेरा घंटे लगे होंगे और यहां पर इसे सात घंटे लगे या उल्टा कह दो ये क्या था अनुप्रवाह का मतलब ये डाउन था यानी धारा के साथ था और यह क्या था अप्रीम था यानी कि धारा के विरुद्ध था तो धारा के साथ अगर इसे मैं सात घंटे और इसे मैं तेरह घंटे देख पा रहा हूं तो क्या काम बनेगा भाई तेरा घंटे और सात घंटे को जोड़ोगे तो बीस होगा कि नहीं होगा बोलोगे हाँ तो मैं समय अगर ऐसे रख रहा हूं तो दूरी समान होने पर समय का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है यानी चाल यहां पर तेरह होगी और यहाँ पर सात होगी बोन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो भाई अगर दस प्लस एस का मान तेरह है और दस माइनस एस का मान सात है तो सिंपल बात हो गई कि एस का मान क्या होगा तीन होगा यानी धारा की चाल तीन होगी तभी ये बात पॉसिबल है धारा की चाल तीन हुई तो दस प्लस तीन तेरह बनेगा और दस माइनस तीन सात बनेगा तभी हो सकता है कह रहा है धारा के साथ कितने समय तक यात्रा किया तो भैया धारा के साथ उसने सात घंटे तक यात्रा करी ये लो अपना आंसर बनाओ खत्म करो बात खत्म हुई अब बताओ इससे ज्यादा इस सवाल में अगर तुम कर रहे हो तो फिर गलत नहीं कर रहे हो इससे ज्यादा क्या करना था इस सवाल में करने की जरूरत थी क्या बताओ अगला सवाल बताओ ए बाबू ए इधर ध्यान ही कहाँ ध्यान चला जाता तुम्हारा यहाँ ध्यान दो इधर उधर पता नहीं ताकने लगते हो कहा जाती है तो दैनिक ब्याज की दर क्या कीजिए भाई साहब साधारण ब्याज की दर से तीन वर्षों में वो दो हजार तीन सौ बीस रुपए हो जाती है और पांच वर्षों में कितनी हो जाती है पांच वर्षों में वो अट्ठावन अट्ठाईस सौ रुपए हो जाती है तो मेरे प्यारे बच्चे पाँच साल में तीन साल घटाओगे तो दो साल का साधारण ब्याज कितना होगा तो आप बोलोगे सर इसमें इसको घटा लीजिए भाई अट्ठाईस में तेईस घटाओगे पाँच सौ में बीस और घटा दो तो दो साल का साधारण ब्याज चार है तो बच्चा एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा एक साल का साधारण ब्याज होगा दो और एक साल का अगर साधारण ब्याज 240 है तो बताइए जरा तीन साल का साधारण ब्याज कितना होगा तो आप बोलोगे सर तीन साल का साधारण ब्याज 240 सौ चालीस गुणे यानी सात होगा और अगर तीन साल का साधारण ब्याज 720 है तो मूलधन क्या आएगा तो आप बोलोगे सर मिश्र धन यानी 2320 में से अगर हम तीन साल का साधारण ब्याज 720 घटा दें तो हमारा मूलधन हमें पता चल जाएगा 1600। सो। और 1600 रुपए पर बच्चों देखो 1600 रुपए के मूलधन पर एक साल का जो साधारण ब्याज था वो तो दो था ना कितने परसेंट है कितनी दर है यही तो पूछा गया था दो जीरो से दो जीरो खत्म हुए सोलह एकम सोलह सोलह यानी ब्याज की दर होगी पंद्रह परसेंट क्या होगी पंद्रह परसेंट सालाना सुनिएगा पंद्रह परसेंट वार्षिक होगी क्या होगी पंद्रह परसेंट वार्षिक लेकिन हमसे वार्षिक पूछ ही नहीं गई थी हमसे ब्याज की दर तो वार्षिक पूछ ही नहीं गई थी आप लोग इसी में फंस जाओगे फिर बोलोगे फिर क्या हमसे तो दैनिक ब्याज की दर पूछी गई है डेली कितने रुपए ब्याज मिलेगा भैया डेली तो भाई अगर एक साल में तुमको एक साल में दो रुपए ब्याज मिला है एक साल में तो दैनिक ब्याज की दर बतानी है साल में आपकी पंद्रह परसेंट है एक साल के ब्याज की दर है पंद्रह परसेंट और एक साल में दिनों की संख्या कितनी होती है तीन सौ पैंसठ तीन सौ पैंसठ से भाग दे दीजिए बताइएगा आंसर क्या आएगा देखो दशमलव लगा के जीरो बढ़ाओगे भाग जाएगा नहीं जाएगा ना एक जीरो और बढ़ा लो एक जीरो और बढ़ा लो अब भाग जाएगा आप बोलोगे हां सर भाग जाएगा कोई दिक्कत नहीं कितनी बार जाएगा पांच बार दे सकते हो नहीं चार बार दे सकते हो पैसठ दूनी एक सौ तीस दूनी दो सौ साठ हाँ चार बार दे सकते हैं सर तो ये चार बार यानी दशमलव जीरो चार से शुरुआत होगी और दशमलव जीरो चार से शुरुआत होने का मतलब दैनिक ब्याज की दर कितनी हो जाएगी जाएगी जीरो चार एक परसेंट क्या हो जाएगी दशमलव जीरो चार एक परसेंट बहुत बढ़िया सवाल था इतनी लाइन से इतनी लाइन ने सवाल की खूबसूरती पे चार चांद लगा दिए जैसे रेखा जी की खूबसूरती पर उनकी कांजीवरम साढ़े चार चांद लगाती है याद है ना रेखा जी याद है कि नहीं याद है भूल गए हो बताओ ये बताओ बताइए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सतानवे का न्यूनतम गुणज ज्ञात कि कौन सी संख्या होगी जो सत्तानवे से कटेगी न्यूनतम गुणज का मतलब सत्तानवे से कटने वाली संख्या जिसे अगर हम छह आठ दस या बारह से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में पांच शेषफल बचे बहुत ध्यान से सुनना बच्चा किसी भी संख्या को अगर आप दस से भाग दे रहे हो तो उसमें अगर पाँच शेषफल बच रहा है तो उस शेषफल को उस संख्या से हटा दो इकाई में जीरो आना चाहिए अगर मैं इसमें से पाँच घटाऊंगा तो इकाई में जीरो आएगा नहीं आएगा इसमें पाँच घटाऊंगा इकाई में जीरो आएगा नहीं आएगा इसमें पांच घटाऊंगा इकाई में जीरो आएगा बोलोगे आएगा ये दो सौ नब्बे होगा इसमें पांच घटाऊंगा इकाई में जीरो आएगा ये चार सौ अस्सी होगा बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से लेकिन भाई ये साफ साफ समझ पा रहा हूँ मैं जान पा रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि मैं सत्तानवे से अगर डिवाइड करने वाला हूँ तो सत्तानवे से दो सौ इक्यानवे तो डिवाइड हो सकती है और न्यूनतम गुण पूछा है भाई सत्तानवे गुणे तीन हमारे पास क्या होता है सत्तानवे गुणे तीन तो यही होता है ना दो सौ इक्यानवे तीन इक्कीस के एक हासिल दो तीन नवा सत्ताईस नौ तीजा सत्ताइस और दो उनतीस होता है कि नहीं होता है तो उसका तो न्यूनतम गुणस्त तो दो सौ इक्यानवे ही है सत्तानवे गुणे पाँच होता है चार सौ आप उसको छोड़ दिया सेवन इंटू फाइव आपको न्यूनतम पूछा था नाइनटी सेवन इंटू थ्री सत्तानवे गुणे तीन होता है ये तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो भाई कि तुमसे छोटे छोटे सवाल गलत हो रहे हैं है? दो सौ नब्बे छ अड़तालीस दो सौ नब्बे और ये दिया हुआ है अच्छा अब जरा इसको समझो तो न्यूनतम गुणज पूछा था लेकिन इस न्यूनतम गुणज के साथ एक बात और रखी गई थी पूछो क्या रखी गई थी इस न्यूनतम गुणज तो होना चाहिए तो न्यूनतम गुणज ये दोनों तो है नहीं या तो ये संख्या हो सकती है या तो ये संख्या हो सकती है लेकिन एक लाइन और भी बोली गई है वो तो समझ लो क्या बोली गई थी कि अगर इन्हें छह आठ दस बारह से डिवाइड करो तो पांच शेष बचे इतनी जल्दबाजी क्या करते हो कि तुरंत आंसर दे दिया पहले इन इन संख्याओं पर भी तो ध्यान दो भाई कि दो ही ऑप्शन गलत साबित हुए अभी दो है ना जिंदा अच्छा अब शेषफल अगर पांच घटा दिया तो संख्या छह आठ दस और बारह से डिवाइड होनी चाहिए यह संख्या छह से डिवाइड होती ही नहीं मतलब यह आंसर खत्म हो गया अब आप कहोगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अब कहोगे अब देखो डी जहां बोला था उमंग यदुवंशी का डी आंसर आने लगा अरे तुम लोग सुनते समझते नहीं हो क्या भाई अरे सवाल तो पढ़ लिया करो महाराज इतनी भी क्या जल्दी रहती है कि अरे जब हम बोला करें तो जो बोला करें उसको सुना तो करो यारा जब बोला करें तो सुना करो और आप क्या बोलूं भाई तुम लोग पता नहीं कितनी जल्दी में रहते हो जो बोले उसको सुनो तो सही हो ही नहीं सकता कि तुम्हें बात समझ ना आए और सवाल आपका गलत हो जाए नहीं संभव नहीं है लेकिन सुनो तो सही अब कितनी जल्दी शादी वादी में जाना है या खुद शादी करनी है कहां जाना था लड्डू खाना है क्या करना था इतनी जल्दी क्या थी कि तुरंत दो सौ इक्यानवे बताओ और आगे बढ़ गए क्या करना था इसका सुनोगे ही नहीं तो काम कहां से चलेगा बताओ अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आंसर करने वाले बच्चे इस सवाल को फटाक से बता लेंगे पंद्रह तो दस संतरों का विक्रय मूल्य पंद्रह संतरों के विक्र क्रय मूल्य के बराबर है दस खरीदा पंद्रह बेचा पांच का फायदा दस पर पचास परसेंट फायदा होगा कितने परसेंट का लाभ होगा पचास परसेंट किसी ने अगर ये बोला कि सर इस सवाल में हमें पेन से चला के बता दीजिए तो करसम से कह रहा हूँ बहुत पिटाई करूंगा बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा बोलो ठीक है ठीक है चलो अब ये सवाल देखो कल भी मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया अभी मैं उनके नाम लूंगा और बच्चे आज तुम्हारा जो होमवर्क में क्वेश्चन है वो ये है ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन आज होमवर्क में कल के लिए जो बच्चों ने अपना आंसर दिया था उन बच्चों के नाम तो हम ले ही लेंगे लेकिन उससे पहले बच्चों में आपको कुछ खास बात बता दे रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है पता है ना खास बात क्या है वो खास बात ये है जो भी नए बच्चे आज हमसे जुड़ते हैं उन सभी के लिए पुरानों को पता है क्या पता है कि सर जी ये ए का सीबीटी वन और सी बी का कम्पलीट कॉम्बो बैच है इस कॉम्बो बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है जरा खुद से बताओ सब लोग जरा बताना भैया क्या क्या मिलेगा देखो सबसे पहले आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगी जिसमें आपको ऑर्थमैटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों मिलेंगे साथ में तीस मॉक टेस्ट मिलेंगे वो भी बिल्कुल फ्री दूसरा सब्जेक्ट इसमें क्या मिलेगा पहला सब्जेक्ट मैथ दूसरा सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेगी साइंस साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलेगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलेगी बच्चा फिर उसके बाद इसमें जानते हैं और क्या मिलेगा एन सी ई आर टी वाली साइंस की प्रैक्टिस मिलेगी साइंस की क्या मिलेगी प्रैक्टिस मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तीसरा जानते हैं क्या मिलेगा इसमें आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का कंप्लीट कोर्स मिलेगा बी एस ईडी उसके बाद बी एस की आपको प्रैक्टिस मिलेगी बी एस ईडी का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और ये आपको मिलेगा एकदम फ्री इसके लिए कोई चार्ज नहीं फिर बच्चे आपको जानते हो क्या मिलेगा आपको ट्रेड मिलेगा ट्रेड जिसका जो ट्रेड है उसके बाद जानते हो बच्चे जीके और जीएस का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा उसके बाद बच्चे रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और अभी ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई अभी तो और भी कुछ है जो इसमें मिलने वाला है क्या सर और मिलेगा बच्चे सी बी टी वन का सी बी टी वन के तीस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वो भी बिल्कुल फ्री सी बी टी टू के पार्ट ए के तीस मॉक टेस्ट मिलेंगे वो भी बिल्कुल फ्री सी बी टी टू के पार्ट बी के आपको दस मॉक टेस्ट मिलेंगे वो भी बिल्कुल फ्री इतनी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी और ये हल्का फुल्का बैच नहीं है सबसे शानदार बैच है रेलवे के लिए आज तक का सबसे शानदार बैग जो लोग आपको बारह सो आठ इतने में बेच रहे हैं ना, मैं उन से कहना चाहूंगा इससे कंपेयर कर लो और बताओ फिर देखो सबसे बढ़िया और ये सिर्फ आपको तीन हजार इन, तीन हजार में नहीं ढाई हजार तीन हजार पंद्रह सौ सब गए जमाने सिर्फ आपके लिए सिर्फ छह सौ रुपए सिर्फ छ सौ रुपए और ये डिस्काउंट आप तभी पा पाओगे मेरे प्यारे बच्चे ये 80 परसेंट से ज्यादा का जो डिस्काउंट है ये आपको तब मिलेगा जब आप हमारा कूपन कोड यानी एडी वन जीरो करेंगे याद रखना इस कूपन कोड को ये एकमात्र कूपन कोड है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा आप कोई भी कोर्स खरीदिए तो आप चाहे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए तिरसठ एक सौ पच्चीस सात सौ साठ पर या आप छियानबे छियानवे दस चौबीस ग्यारह पे कॉल करिए आप किसी पे भी कॉल करिए और उनसे बोलिए मैडम जी मुझे अनुराग सर का जो प्रोमो कोड उन्होंने बताया था ए डी वन जीरो उस कूपन कोड के साथ इस फाउंडेशन बैच में एनरोल करना है जिसमें ये सारी चीजें हैं और कोई ना दे तो आप मुझे बताना मैं उसको डांट दूंगा क्लियर है बात बोलो लगता है सर को आज शादी में जाना अरे हमको नहीं जाना अरे भैया तुम लोगों को जाना हमको क्यों जाना है अभी तो क्वेश्चन ही खत्म हुए हम क्यों जाएंगे हैं अच्छा अब उन बच्चों का मैं नाम लेना चाहूंगा जिन बच्चों ने कल हमारे प्रश्नों के जो प्रश्न होमवर्क में दिया था उसके उत्तर दिए थे जरा देखिए जरा किन किन बच्चों ने उत्तर दिए थे ज़रा देख लेता हूँ भैया हाँ नौ बच्चों के कमेंट हैं किसके किसके रूपाली करके नहीं राहुल पाटिल है एच डब्ल्यू आंसर इक्कीस हज़ार बहुत बढ़िया प्रशांत यादव ने कहा था सर आज पहली बार क्लास लिया हूं मज़ा आया बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त फिर एक सत्यम कुमार बच्चा था उसने कहा सर आपका क्लास पिछली क्लास से अच्छा होता है बहुत बहुत धन्यवाद उसके बाद एक सत्यम कुमार ने आंसर भी दिया था इक्कीस हजार सही जवाब फिर अपने पास प्रदीप कुमार दास ये आज चलो खैर जाने दो ये इन्होंने भी आंसर दिया था ठीक है इक्कीस हजार फिर किशोर करके बच्चा है उसने आंसर दिया था और फिर सबसे आखिरी में अमित जमाल पुरिया कोई बच्चा है उसने भी आंसर दिया था इक्कीस हजार बहुत बढ़िया इन सभी बच्चों ने आंसर दिए थे आज वाले बच्चे कितने लोग आंसर देते हैं ये मुझे आप कमेंट में बताना ठीक है होमवर्क आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना और दूसरी बात बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारी एक क्लास सुबह दस बजे से होती है जिसमें आप मैथ को पढ़ते हैं बेसिक्स चैप्टर वाइज 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 लेवल टाइप बजे वाली जो क्लास होती है बच्चों क्लास क्लास की टाइमिंग मैं लिख रहा हूं बजे वाली जो क्लास होती है इसमें आप प्रैक्टिस सेशन को करते हैं कंप्लीट मैथ का रिवीजन प्रैक्टिस सेशन और शाम पांच बजे वाली जो क्लास होती है बच्चों इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं उसके लेवल को देखते हैं और उसके बेस्ट सोलूशन को देखते हैं शाम पांच बजे वाली क्लास में ठीक है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाए कल फिर आपसे मुलाकात की जाए और कल से पहले अभी शाम को पांच बजे प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं आप सभी से फिर से एक बेहतरीन लाइव क्लास बाय बाय जय हिंद एंड टेक केयर लव यू टू